जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो कायराना हरकत पाकिस्तानी संगठन ने की है, कहीं ना कहीं जो 44 सैनिक जो शहीद हुए हैं, भारत के पूरे देश में रोष है, पूरे देश में गुस्सा है। आज हम आगरा के शहीद स्मारक पर खड़े हुए हैं, शहीद स्मारक पर लोग कहीं ना कहीं जो श्रद्धांजलि उन शहीद सैनिकों को देने का काम कर रहे हैं। केशव जी, क्या कहना चाहेंगे, कितना गुस्सा है जो कायराना हरकत पाकिस्तानी संगठन ने जो की है, उसका क्या बदला होना चाहिए? सबसे पहले मैं भारत माता के शब्दों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, जो कि धोखे से बाहर करके जिस तरीके से वो शहीद हुए हैं उसको देखते हुए आज आगरा की सर्व समाज की जनता एक साथ आगरा के शहीद स्मारक पर मौजूद और इकट्ठी हुई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और मैं भारत सरकार से अपील करूंगा इस बात की कि पाकिस्तान के साथ जो भी व्यापारिक संबंध है उनको जल्दी ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान के द्वारा जो भी उनके खेल के चैनल भारत में लाइव दिखाए जाते हैं उनका लाइव टेलीकास्ट बंद किया जाए, जिससे कि उनकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में उनको पता चल जाए। और क्या जवाब हो सकता है, माकूल जवाब क्या हो सकता है, किस तरीके से जो एक चोट दी है भारत को, कहीं ना कहीं 44 सैनिक जिसमें शहीद हुए हैं, एक मौका नहीं दिया सैनिकों को। अगर मौका देते तो शायद एक एक सैनिक इन पर भारी पड़ता, लेकिन मौका नहीं दिया। इस कायराना हरकत को लेकर क्या कहना चाहिए? अगर मौके की बात की जाए तो पाकिस्तान इस तरीके का कभी भी हमला नहीं करेगा अगर वो मौका देगा, क्योंकि वो अगर मौका देगा तो कभी भी वो उस काम में सफल नहीं होगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सफल नहीं होगा। क्या कितना गुस्सा है इसको लेकर? जी बिल्कुल, आप बताइए कितना गुस्सा है इसको? आक्रोश है, सभी सारे सभी धर्म के लोग यहाँ पर हैं जी। और सभी में आक्रोश है पूरे हिंदुस्तान में। और हम तो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट हमें इजाज़त दे, हम सब लोग बॉर्डर पे जाकर उनसे जंग करने को तैयार हैं। बिल्कुल जंग करने को तैयार हैं। गौरव जी, जो एक गुस्सा है, रोष है, क्या कहना चाहोगे जो एक कायराना हरकत की गई है उसके लिए? बहुत ही कायराना हरकत करी गई है पाकिस्तान द्वारा। और मैं सभी भारतवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करूंगा कि हमारे भारतीय सेना को खुली छूट दी जाए, जिससे कि वो अपने साथियों की इस शहादत का बदला ले सकें। और पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पार्टी नहीं, सब एकजुट हो गए, पूरा हिंदुस्तान माननीय मोदी जी के साथ है। और मैं मोदी से एक ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे जो आज जैसे मोदी ने मोस्ट फेवरेट नेशन उन्हें बाहर किया, इसी तरह कुछ और उनका स्टेप लेके जो यूएन में मोदी जी ने उसको आतंकवादी जैसे मोहम्मद को जो बैन की अपील करी है उसको गंभीरतापूर्वक लेते हुए यूएन से उसको बैन कराए। और इसके लिए मोदी जी से पूरा भारतवर्ष मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल, भारतवर्ष मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। रोजाना कुछ ना कुछ हरकतें दिखाई देती है, जो एक उबाल है वो किस तरह का है, जो कल की घटना हुई है किस तरह का उबाल मानते हैं पूरे देश में? कल जम्मू में, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिस तरह से कायराना हमला किया गया है उसकी मैं को कठोर शब्दों से निंदा करता हूं। वो वीर जवान जो हमारे शहीद हुए हैं उनके चरणों में मैं सादर नमन करता हूं, और उनके परिवार के साथ देश का हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति उन परिवारों के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन हमको जोश और जज्बा पे कंट्रोल करना होगा। मैं सभी देशवासियों से एक अनुरोध करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 360 घंटे का इंतजार कीजिएगा, जो घटना घटित हुई है उसे ठीक 360 घंटे का इंतजार कीजिएगा। हमारे जो शहीद हुए हैं सैनिक, उनका बदला, माकूल जवाब पाकिस्तान को अवश्य मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। अपनी सेना के ऊपर, उसके बलबूते पर मैं भारत का एक नागरिक होते हुए ये वाली बात कह रहा हूँ। और मैं पूरे आगरा वासियों की तरफ से भी ये वाली बात कहता हूँ, पाकिस्तान या तो सुधर जाओ, नहीं तो 360 घंटे के अंदर आपको वो मकबूल जवाब मिलेगा, आपकी जड़ें कांप जाएंगी और विश्व से पाकिस्तान का नष्ट नबूद होना अब निश्चित हो गया है। कितना गुस्सा है पूरा देश में, जो गुस्सा दिखाई दे रहा है और जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है उसके लिए कितना गुस्सा है? बहुत गुस्सा है हम लोगों में। और देश की जनता ये चाहती है कि पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। आप क्या कहना चाहोगे जो घटना हुई है पाकिस्तान की तरफ से? बड़ा अफसोस की बात है, ये जो भी घटना है इसका जवाब दिया जाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो जो रोज जी, क्या कहना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? मोदी जी के लिए कहना चाहता हूँ, मोदी जी 56 इंची का सीना बोलने से नहीं दिखाई देता है, अब समय आ गया है उसका, ये जनता देखना चाहती है। आपके कहने से 56 इंची का सीना नहीं हो जाएगा, उन्हें अपने भितरघात विभीषणों को सबसे पहले, पाकिस्तान को जवाब देने से पहले विभीषणों का इलाज कीजिए, उसके बाद पाकिस्तान का इलाज कीजिए, क्योंकि जब तक विभीषणों का इलाज नहीं होगा कुछ नहीं हो पाएगा। और ये जनता का रोष निंदनीय, अफसोस, इन शब्दों से गुस्सा शांत नहीं होगा, हमें कार्रवाई चाहिए,
छप्पन इंची का सीना समय आ गया है दिखाने का इस समय। बिल्कुल, छप्पन इंच का सीना दिखाने का समय आ गया है और निंदनीय और अफसोस वाले शब्द बहुत पीछे रह गए हैं। जो कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई है उसको लेकर पूरे देश में रोष व्याप्त है और आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जगह जगह कैंडल मार्च के जरिए और जो एक श्रद्धांजलि दी जा रही है पूरे शहीद हुए सैनिकों को, पूरे देश में इसके लिए उबाल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिर्फ यही लोग कह रहे हैं कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दो। कैमरा पर्सन आर्यन बघेल के साथ मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़।